और इसी बीच मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, दिल्ली से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। था हुआ है कि कई स्कूल तो तबेला बन गए हैं, जहां स्टूडेंट की जगह भैंस बकरी आदि बंधे हुए नजर आते हैं। 53,000 स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, 35,000 स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, 60,000 स्कूलों में बिजली नहीं है, हजारों स्कूलों में जेंट्स और लेडीज टॉयलेट्स नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। सो बेसिकली ये तस्वीर थोड़ी सी उत्तर प्रदेश के स्कूलों की इसलिए सामने रखी, वैसे तो गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगी, आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति पे अगर जरा भी टाइप करें तो यूपी के स्कूलों की तस्वीर आपको सामने नजर आएगी। ये खबरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के जो स्कूल हैं वो किस हालात में हैं। वहाँ पढ़ने वाले आम आदमी, किसान, मजदूर, कस्बों में रहने वाले लोगों, छोटे व्यापारियों, इन सबके बच्चों की स्थिति क्या है, उनका भविष्य क्या है, क्या भविष्य दिया जा रहा है वहाँ के बच्चों को, ये सब वो तस्वीर साफ कर रहे हैं। मैं ये रिपोर्ट्स के आधार पर जो यूपी के स्कूलों की स्थिति है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को निवेदन करना चाहता हूं कि 4 साल बहुत ऐश कर ली, 1 साल बचा हुआ है आपके पास, या तो आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत ठीक कर दीजिए, उनकी इस तस्वीर को बदल दीजिए, नहीं तो 1 साल बाद जनता उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल देगी और 1 साल बाद वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करके दिखाएगी, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अचानक सामने आए। अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की, पहली बार उनके मुंह से स्कूल शब्द सुनना अच्छा लगा, स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा। उन्होंने बहस की चुनौती दी, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तैयार हैं, दिल्ली का स्कूल मॉडल बनाम उत्तर प्रदेश का स्कूल मॉडल, इस पे बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं, मैं ये दोनों चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों को, सिद्धार्थनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी भी हैं और कई और मंत्री हैं जिन्होंने चुनौती दी, मैं उनको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। मैं आने वाले मंगलवार को, अगले हफ्ते यानी 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा, मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है, योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। आप मुझे बताइए कहां आना है, कितने बजे पहुंचना है, आप मुझे बता दीजिए, मैं वहां पर आऊंगा और हम चर्चा करेंगे, खुली ओपन डिबेट करेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में। थोड़ा सा वहां की स्कूलों की स्थिति पे, वहां की पढ़ाई पे चर्चा करेंगे तो मैं सोचता हूं कि दिल्ली की स्थिति के बारे में भी मैं थोड़ा सा अवगत करा दूं कि दिल्ली के स्कूलों में हमने क्या काम किया है, ताकि आपको भी सनद रहे कि दिल्ली के स्कूलों में क्या काम किया गया है। दिल्ली का जो स्कूलों का मॉडल है, आपको पता होगा कि पिछले 5 साल से दिल्ली में दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों पर एजुकेशन पर दिल्ली के कुल बजट का 25% खर्च करती रही है। यह देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार लगातार 5 साल से कुल बजट का 25% एजुकेशन पर खर्च कर रही है। 5 साल पहले जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाए, हमारे बहुत से दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों की जर्जर हालत थी, उनको बदलाया, उनकी बिल्डिंग्स ठीक की हैं, सरकारी स्कूल के टीचर्स को सुविधाएं दी हैं, उनको सम्मान दिया है, उनको सरकारी स्कूल के टीचर्स को, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को फिनलैंड में, अमेरिका के हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, सिंगापुर में, जर्मनी में, मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए भेजा है, IIM में अपने सारे हेड ऑफ द स्कूल्स की ट्रेनिंग कराई है, और इनकी वजह से आज हमारे सरकारी स्कूलों का रिजल्ट
दिल्ली के सरकारी स्कूलों का 12वीं का रिजल्ट 98% था इस साल। हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां 80 बच्चे थे 12वीं क्लास में, उसमें से किसी में 22 बच्चे, किसी में 25 बच्चे, किसी में 30 बच्चे, किसी में 33 बच्चे, गरीब आम परिवारों के बच्चे जिन्होंने नीट क्लियर किया है। एक एक स्कूल से 30-30, 35-35 बच्चों ने, 25 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है इस बार। हमारे स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक बच्चे ने, एक स्कूल से 5 बच्चों ने IIT किया है। 2-3-4 एक बच्चे वाले बहुत हैं, IIT की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने IIT ज्वाइन किया है। एक ही स्कूल से 5 बच्चे IIT करें, ये अपने आप में। मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी को, मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम मंत्रियों को जिन्होंने कल बहस की चुनौती दी थी, मैं कहना चाहता हूं कि आपके एजुकेशन मॉडल पर और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मॉडल पर, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मॉडल पर खुली बहस हो जाए। आप बता दीजिए, मैं मंगलवार को आने वाले 22 दिसंबर को लखनऊ में आ रहा हूं, बहस के लिए आ रहा हूं। आप जगह बता दीजिए, आप टाइम बता दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा और खुल के चर्चा करते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।